लाल है लाल का है। तो चेक क्यों नहीं करो घर ही लाल वगैरह अभी हम खड़े बावरला गांव में जो लगभग दो प्रशासन कार्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। और अभी जो मैं इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूँ एक वो बारवा कहते हैं हमारे दस्ता में साधु समाज के अंदर उसको भंडारे के दोस्तों। ये थार रेगिस्तान का एक विलेज है बावला, बहुत खूबसूरत विलेज है। ये जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। इस विलेज का जो तहसील और जिला मुख्यालय भी जोधपुर ही है, जो मंडोर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाला विलेज है। यहाँ मिली जुली आबादी है, तो यहाँ पर सब कम्युनिटी के लोग रहते हैं। तो विशेषकर जाट और विष्णुई है यहाँ पर, और कुछ दस नाम गोस्वामी समाज के भी घर है यहाँ पर, जिस जाति से मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्तों ये लगभग 3,000 की आबादी वाला गांव है, और 2011 की जनगणना के हिसाब से तो 2700 अबाउट होगी इसकी आबादी, पर अभी मौजूदा हाल में इसकी आबादी लगभग 3,000 की होगी, 3,000 की आबादी होगी। और लगभग 500 घरों का ये छोटा सा विलेज है। हमने आपको इस गांव को दिखाना इसलिए तय किया क्योंकि मेरे को भी एक काम से इस गांव मैं जाना था, तो चलो सोचा आपको भी साथ लिए चलता हूँ। तो अभी आप देख रहे हो बहुत खूबसूरत विलेज है ये, और ये जोधपुर जयपुर हाईवे पर, हाईवे से लगभग 7-8 किलोमीटर अंदर पड़ता है। उधर 16 मील से होकर भी आ सकते हो और डांगियावा से भी ऊपर आ सकते हो। और यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन तो जोधपुर ही है, और बस स्टेशन समझ लो नज़दीकी डांगियावास है। तो आप जैसे आप देख ही रहे हो तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है। और अभी ये लगभग जोधपुर जिले के क्या राजस्थान के हर गांव की आप सैर करोगे तो वहां पर आप आजकल कच्चे मकान नहीं मिलेंगे, सबको जोधपुर का जो पत्थर आता चित्र का उसके बने हुए ही मिलेंगे। या मिडिल क्लास फैमिली ज़्यादा रहती है, वैसे मैं आपको बहुत कुछ तो बता ही चुका हूँ। बाकी चलो चलते चलते अपन बात ही करते हैं और कोई वीडियो में आगे मैं एक अपना प्रोग्राम में जा रहा हूँ, लखनऊ में सोशल समाज का ये भंडारा है, तो आज एक सामाजिक पूजन कार्यक्रम भी है, तो उस कार्यक्रम में आपको वहाँ की तस्वीरें भी दिखाऊंगा और साथ साथ में आपसे बातें करते रहूँगा। और मैं भाई मैप आपको समझा भी दूंगा कि क्या है, अभी आप देख लो ये मैप उसकी जो लोकेशन है। नज़दीकी जो अपना NH5 में डांगियावास नज़दीक से नज़दीक पड़ता है, और यहाँ से मेरा जो होम विलेज है खातियास में वो भी लगभग 5 किलोमीटर रस्ते से हम आए हैं। Thank you.
लाल भाई स्पेशल एक भंडारा सभा प्रोग्राम आपको दिखा देता हूँ। समाज पत्र लगा दिए जाते हैं सुबह भाई हाँ काकू लाठी आटी हो थोड़ा सा समाधि स्थल है परिवार में जितने भी समाधि लाइन से लगी हुई है। अब इसके आगे जो भी समाधियाँ बनेगी इसके आगे आगे बनती जाएगी रोड तक ये आरक्षित क्षेत्र है समाधि स्थल के लिए। अब आपको दिखा देता हूँ समाधि स्थल जेल जेल भाई जेल आराम आ जाए बताओ नहीं आप